जी दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज 6 फरवरी से शुरू हो रही है ओडीआई मुकाबले। लेकिन उससे पहले अगर कुछ बड़ी जानकारी दें तो दोस्तों, रोहित शर्मा इतिहास रचने की कगार पर खड़े हैं। ऐसे तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे ओपनिंग के तौर पर जो कि सबसे ज्यादा रन बनाते नजर आएंगे भारतीय टीम की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। लेकिन अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। सबसे पहले दोस्तों, आपको खबर से रूबरू करा दें कि रोहित के पास भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बनने का बेहतरीन मौका है। दरअसल दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग से मात्र 2 रन पीछे हैं, वो तो बहुत जल्दी कवर भी कर लेंगे। साथ ही साथ अगर एक शतक लगाते तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक लगाने वालों में इनका भी नाम शामिल हो जाएगा। अब तक दोस्तों, वनडे में ओपनिंग के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर पाजी 15,310 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं यहां पर दोस्तों सौरभ गांगुली, जिन्होंने 9,146 रन बनाए हैं। और तीसरे नंबर पर वीरू पाजी यानी कि वीरेंद्र सहवाग ने 7,240 रन बनाए हैं। वहीं तीसरे नंबर के बाद अगर चौथे नंबर पर कोई आता है तो वो है रोहित शर्मा, जिन्होंने 7,238 रन बनाए, यानी कि 3 रन बनाते ही सहवाग को पीछे छोड़ देंगे और तेजी से आगे बढ़ते नजर आएंगे सौरभ गांगुली और सचिन पाजी के रिकॉर्ड की तरफ। लेकिन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तो बहुत दूर है, लेकिन सहवाग और सौरभ गांगुली का रिकॉर्ड शायद हमें तोड़ते जल्द से जल्द नजर आए। अब दूसरी तरफ दोस्तों, बात करें रोहित शर्मा ना सिर्फ इसमें एक बल्लेबाज की भूमिका अदा करेंगे बल्कि कप्तान की भूमिका भी अदा कर रहे हैं, तो उन पर कप्तानी को लेकर भी काफी प्रेशर होने वाला है। वेस्ट इंडीज खतरनाक टीम है दोस्तों, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, आपने कई मुकाबले में देखा भी है। तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम अपनी परफॉर्म दिखाती है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उनको सामना करना, ऊपर से सामने पोलार्ड जो मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, रोहित शर्मा के अच्छे खासे दोस्त भी हैं। अब साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा अगर एक शतक लगा देते हैं तीनों मैचेस में से किसी भी एक मैच में एक शतक लगा देते हैं तो उनके पास एक और रिकॉर्ड तोड़ने का यानी कि रिकॉर्ड बनाने का मौका है। बतौर कप्तान कोहली, राहुल द्रविड़ और सहवाग ने ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में शतक लगाया है। कोहली, द्रविड़ और सहवाग ने, इन तीनों ने लगाया। अगर यहाँ पर चौथे खिलाड़ी बनते तो वो होंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की बात करें तो वो सिर्फ एक शतक लगा दें और उनके नाम भी रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। विराट कोहली ने बतौर कप्तान दोस्तों करीब 38 मुकाबलों में 9 शतक लगाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो ये अपने आप में विराट कोहली का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो साबित करता है कि हाँ, विराट क्यों दिग्गज कप्तान थे। इसी के बाद रोहित शर्मा भी इसी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं अगर वो यहाँ पर एक शतक लगाने में कामयाब हो जाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से रोहित शर्मा इस पूरी सीरीज के दौरान T20 ओडीआई मुकाबले में युवा प्लस एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ कप्तानी करते नजर आते हैं और क्या ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है दोस्तों रोहित शर्मा के लिए। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से रोहित शर्मा अपनी कप्तानी से अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में तो रोहित शर्मा ने कप्तान के तौर पर रन भी बनाए थे और तीनों मुकाबले जिता कर दिए थे, क्लीन स्वीप हासिल करा था, वो एक बहुत बड़ी बात थी। आगे की जानकारी दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।